कोलेबीरा के रिजल्ट से कांग्रेस बम बम झामुमो पस्त। भाजपा को भारी पड़ी उपचुनाव के दौरान बरती गई उदासीनता। गुरुजी और हेमंत का साथ भी झापा को नहीं दिला सका जीत। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज हम बात करेंगे कोलेबीरा में हुए उपचुनाव की। कोलेबीरा में संपन्न विधानसभा उपचुनाव ने राज्य की सियासत में नई परिस्थितियां पैदा कर दी है। विपक्षी गठबंधन की कवायद में कांग्रेस की स्थिति एक बारगी मजबूत होती दिख रही है। वहीं झामुमो और राजद के लिए चेहरा छिपाने की नौबत आ गई है। उधर भाजपा को भी इस चुनाव ने सीख दिया है कि किसी भी चुनाव को हल्के में लेना कितना भारी पड़ सकता है। जनाधार बढ़ने के बावजूद भाजपा को कोलेबीरा में हार का सामना करना पड़ा। इसका एक कारण चुनाव के प्रति पार्टी नेताओं की उदासीनता रही। कोलेबीरा के चुनाव परिणाम के राजनीतिक मायने और इसके संभावित परिणामों का आकलन कर रहे हैं हमारे राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। कोलेबीरा में हुए उपचुनाव ने एक साथ कई संदेश दे दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार की जीत, झामुमो राजद समर्थित झापा प्रत्याशी का चौथा स्थान पर पिछड़ना, भाजपा का तेजी से उभरना और राष्ट्रीय सिंगल पार्टी के बढ़ते प्रभाव के साथ इस उपचुनाव ने झारखंड की राजनीति में नए समीकरणों की संभावनाओं को भी जन्म दिया है। कोलेबीरा की मतगणना शुरू होने से पहले तक किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि झारखंड पार्टी की मेननेका यहां से हार भी सकती है। वह न सिर्फ हारी बल्कि अपने सबसे मजबूत गढ़ में झारखंड पार्टी की साख भी समाप्त हो गई। लगातार चौथी बार कोलेबीरा सीट पर कब्जा जमाने का उसका सपना ध्वस्त हो गया। इतना ही नहीं, मेनन की पराजय ने झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छिजते जनाधार को भी सामने लाकर रख दिया है। अधिकांश राजनीतिक पंडित मान रहे थे कि झारखंड पार्टी की उम्मीदवार और एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का के जीतने में कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन इन अनुमानों से अलग कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। जिस मेनन एक्का को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा था, वह चौथे स्थान पर खिसक गई। एनोस एक्का की पत्नी मेनन एक्का आखिर क्यों इतनी बुरी तरह पराजित हुई, इसका विश्लेषण जरूरी है। मेनन को झामुमो और राजद का भी समर्थन था, इसके बावजूद पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां प्रचार करने नहीं गया। हालांकि आखिर पलों में हेमंत जरूर गए, लेकिन वह सिर्फ औपचारिकता भर ही था। दूसरी तरफ मेनन को समर्थन के फैसले का विरोध करने वाले झामुमो विधायक पॉलो सुरीन वहां दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करते रहे। उन्हें पार्टी की तरफ से रोका भी गया। इसका असर यह हुआ कि झामुमो का वोट भी मेनन को नहीं मिल सका। मेनन की हार की एक और वजह यह मानी जा रही है कि एनोस एक्का जेल में होने के कारण न तो प्रचार कर सके और न ही पार्टी को सही से दिशा निर्देश दे सके, इसलिए झापा की रणनीति कांग्रेस और भाजपा से कमजोर साबित हुई। कोलेबीरा में कांग्रेस ने ठोस रणनीति बनाई। तीन राज्यों में हासिल कामयाबी से उत्साहित पार्टी ने कोलेबीरा को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार और दूसरे नेताओं ने पूरा जोर लगाया। झाविमो अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। कोलेबीरा की हार ने भाजपा खेमे को पूरी तरह पस्त तो कर दिया, लेकिन पार्टी को इस बात पर संतोष करना चाहिए कि उनके जनाधार में वृद्धि ही हुई है। हालांकि पार्टी नेताओं को यह मलाल जरूर रहेगा कि उपचुनाव को हल्के ढंग से लेने की इतनी भारी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। भाजपा का कोई भी नेता वहां चुनाव प्रचार करने नहीं गया। प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह देने के बाद उसे पार्टी भूल गई, लेकिन पार्टी के मतदाता उसके प्रति पूरी तरह से उसके साथ रहे। यही कारण है कि भाजपा को वहां दूसरा स्थान मिल गया। इसके अतिरिक्त आजसू का असहयोग और विद्रोही प्रत्याशी के खड़े होने का खामियाजा भी भाजपा को भुगतना पड़ा। भाजपा के विद्रोही प्रत्याशी बसंत डुंगडुंग को करीब 4000 वोट मिले। इसके अलावा नोटा के 3694 वोट भी भाजपा की हार का कारण बनी। भाजपा नेताओं को इस बात का मलाल होगा कि यदि वे थोड़ी सी मेहनत कर लेते और विद्रोही प्रत्याशी को मना लेते तो जीत हासिल हो सकती थी। कुल मिलाकर कोलेबीरा का संदेश साफ है कि आज की तारीख में विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति सबसे मजबूत है, जबकि झामुमो का जनाधार तेजी से घिसक रहा है। भाजपा को छोड़ सभी दलों के मतदाताओं ने पाला बदला है, लेकिन अल्पसंख्यकों का मत अब भी एकजुट है।
कोलेबिरा ने यह भी तय कर दिया है कि राज्य का अगला चुनाव इसी लाइन पर लड़ा जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस की जीत ने यह साबित कर दिया कि झारखंड में कांग्रेस मजबूत हुई है। उन्होंने उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, चाहे वे छोटे पद पर हों या बड़े पद पर, सभी ने इस उपचुनाव को कांग्रेस की प्रतिष्ठा का विषय समझा और अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सपने को झारखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साकार किया है। इसके लिए बतौर प्रदेश अध्यक्ष वे सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हैं। जिस तरह से पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काम किया है, इसी तरह से आगे भी काम होता रहा तो झारखंड में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। डॉक्टर अजय ने कहा कि इस उपचुनाव के परिणाम से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत महागठबंधन बनेगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन बनने से पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, पहले नीति पर बैठक और समझौता होगा और तब सीटों के बंटवारे पर बात होगी। उन्होंने कहा कि देश में राहुल गांधी के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा के झूठ को जनता समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया था जिसके पास बैंक खाता नहीं था। चुनाव के समय कांग्रेस प्रत्याशी ने बैंक का खाता खुलवाया था। यही राहुल गांधी की सोच है। वह ऐसे युवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो समाज के लिए सेवा भाव से काम कर रहा है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा कोलेबिरा उपचुनाव हार कर भी जीती है। उन्होंने क्षेत्र के चुनाव कार्य में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके परिश्रम एवं कड़ी मेहनत के लिए शुभकामनाएं दी तथा कोलेबिरा की जनता का आभार प्रकट किया। गिलुआ ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्षेत्र की जनता ने सराहा है। इस उपचुनाव में 2014 के मुकाबले भाजपा के मत एवं मत प्रतिशत दोनों बढ़े हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से विपक्ष सीएनटी एक्ट धर्मांतरण विधेयक के खिलाफ मोर्चा खोला था, कोलेबिरा की जनता ने इसे नकार दिया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा यह सीट अवश्य जीतेगी। प्रदेश राजद अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत पर बधाई देते हुए कहा कि कोलेबिरा उपचुनाव में भाजपा को जनता ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया कि जनता भाजपा की नीति और सरकार के कार्यों से खुश नहीं है। जनता भाजपा से तंग आ चुकी है। कहा कि इस उपचुनाव के परिणाम से झारखंड में बनने वाले महागठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत जल्द मजबूत महागठबंधन का ऐलान होगा। राजद ने मेननेका को समर्थन दिया था, इसके पीछे मुख्य वजह भाजपा को रोकना था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झाविमो प्रमुख बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड की जनता भी भाजपा के खिलाफ है। कोलेबिरा उपचुनाव के परिणाम ने इसे साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 विधानसभा के उपचुनाव हुए और तीनों ही जगह पर भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टी की भारी पराजय हुई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हुए कोलेबिरा विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार से यह साबित होता है कि अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड से भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में भी बहुत जल्द महागठबंधन का ऐलान होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उपचुनाव परिणाम से महागठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोलेबिरा उपचुनाव के परिणाम से राज्य ही नहीं केंद्र की राजनीति का भी प्रभावित होना तय है। यह केंद्र व राज्य में भाजपा सरकार की नाकामियों व कुशासन की हार है। भाजपा सरकार की जुमलेबाजी व अहंकार को जनता ने आईना दिखाने का काम किया है। झारखंड की जनता भाजपा सरकार से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। झारखंड की जनता अब भाजपा से मुक्ति चाहती है। राज्य सरकार की उल्टी गिनती आज से प्रारंभ हो गई है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कोलेबिरा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत की बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में कोई विरोधाभास नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस चुनाव में झारखंड पार्टी को समर्थन दिया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और झारखंड निर्माण आंदोलन के अग्रणी नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन द्वारा झारखंड पार्टी के प्रत्याशी को आशीर्वाद देने के कारण झामुमो ने झारखंड पार्टी के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। हमारे लिए दिशोम गुरु शिबू सोरेन का आदेश राजनीतिक नफा नुकसान से ऊपर है।
झारखंड निर्माण के आंदोलन में झारखंड पार्टी के योगदान को देखते हुए पार्टी अध्यक्ष ने मेनन एक्का को आशीर्वाद दिया। महागठबंधन का अभी औपचारिक स्वरूप तैयार नहीं हुआ है। महागठबंधन के स्वरूप को यदि समय रहते अंतिम स्वरूप दे दिया जाता तो किसी प्रकार की दुविधा नहीं रहती। महागठबंधन के स्वरूप को अंतिम रूप नहीं देने के कारण इसका दायरा बढ़ाने के लिए ही झामुमो और राजद ने झारखंड पार्टी को समर्थन दिया। महागठबंधन के संभावित दलों के बीच न कोई विरोधाभास है और न ही द्वंद्व। कांग्रेस, राजद, सभी वाम दलों सहित सभी झारखंड नामधारी दलों को महागठबंधन में शामिल करने का हिमायती झामुमो रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को साथ लेकर झारखंड विरोधी और चुनिंदा व्यवसायिक घरानों की हिमायती भाजपा सरकार को इस राज्य से उखाड़ फेंकने को कृत संकल्पित है। आज के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।